हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो देखिए, आज का व्लॉग मैंने नवरात्रि की थाली से स्टार्ट किया है। ये व्रत की थाली तैयार की है मैंने, जिसमें मैंने कुट्टू के आटे की रोटी पराठा बनाया है और बॉईल करके आलू की सब्जी और दही का रायता, रायते में मैंने खीरा और टमाटर का बारीक बारीक काट के तब तैयार किया है रायते को। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये 30 मिनट्स के अंदर अंदर बनाई है। चलिए आप सबको बताते हैं मैंने कैसे बनाई है। तो जिसमें मैंने आलू बॉईल कर दिए थे और उनको ना मैंने चाकू से काट दिए हैं, मैश नहीं किए थे। और देखिए, मैंने यहाँ पे घी में तड़का लगा रही हूँ, मैं घी यूज कर रही हूँ तड़के के लिए, और जीरा डाल दिया है और साथ में ही मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है। आपको पता है व्रत के खाने में प्याज और कोई चीज़ नहीं यूज करते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। साथ ही में मैंने इसमें अब सेंधा नमक डाल दिया ताकि टमाटर ना अच्छे से गल जाए। तो सेंधा नमक का यूज किया है यहाँ पर। तो जैसे ये टमाटर गलेंगे तो जो मैंने आलू बॉईल किए हुए थे ना, कट कर रखे थे जो, वो इसी के अंदर मैं डाल दूँगी। और बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इजी तरीके से बन जाएगा। तो देखो, टमाटर गल गए हैं, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी यहाँ पर आलू जो मैंने कट कर लिए थे बॉईल करके। ये मैंने 90% बॉईल किए थे और पूरे नहीं बॉईल किए थे, 90% बॉईल किए हुए थे। तो देखिए, सब्जी बन गई है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, सूखी सूखी सब्जी नहीं डालूंगी, क्योंकि कुट्टू की आटी की रोटी ना, जो पराठा बनाते हैं, जो भी हम बनाते हैं, वो पहले से ही थोड़ी ड्राई ड्राई सी रहती है। तो इस वजह से इसको मैं थोड़ा ना तरी सी वाली बनाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और हरा धनिया डालकर इसको 5 मिनट के लिए पकाऊँगी। तो सब्जी बनने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने, मैं और मेरा बेटा। तो ये शाम की पूजा कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और शाम को ही मतलब पूरे दिन मैं कुछ नहीं खाती व्रत में, और शाम को ही खाती हूँ बस। तो ये मैंने सोचा चलो अभी इसके पापा के आने का टाइम था, मैंने कहा चलो पहले पूजा कर लेते हैं। तो मेरा बेटा और मैं, हम दोनों यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो ये व्लॉग ना मेरा मंडे का है, जब मैं मायके से आ गई थी मंडे को, मतलब मैंने दिन भर कोई वीडियो नहीं बनाई और शाम को ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ। अब आटा, जो कुट्टू का आटा है ना, उसको गूंदूंगी अब यहाँ पर। तो देखिए, आधा किलो आटा था ये, और उसमें से भी मैं बचा लूँगी, हमारे तीनों का ही व्रत था, मेरा और मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का। तो मैंने ना जब आलू बॉईल किए थे ना, तो उसमें से ही ना 3-4 आलू रख लिए थे, तो मैं आलू ना इसी के अंदर कद्दूकस कर दूंगी। और वैसे तो रोटी बनने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है जब हम इसको अकेले, कुट्टू के आटे की ना रोटी अकेले में बनाते हैं, तो इसमें ना आलू को ना अच्छे से मैश करके गूंदना, तब रोटी बहुत ही अच्छे से बनती है और सॉफ्ट भी बनती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर रही थी तो उसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही मैश करूँगी अब। और देखिए, मैंने यहाँ पर हाथों से इसको मैश करके अब आटे को गूंदना स्टार्ट कर दिया है। और ना इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, सेंधा नमक, और जितना ज़्यादा हमें पानी यूज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा जितना भी हमें ज़रूरत होती है ना पानी की, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूंदना है। तो यहाँ पर अब मैं रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है, रोटी क्या पराठा ही बना रही हूँ। और ये देखिए, मैंने पहले से बना ली थी और तब बाद में याद आया कि मैंने तो व्लॉग भी स्टार्ट कर रखा है। तो देखिए, यहाँ पर 2-3 पराठे बन चुके थे, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसको कितने आसान तरीके से इसको बना दिया है। देखिए, पेड़ा लेकर ना मैंने धीरे धीरे हाथों से ही इसको बना रही हूँ, कोई चकला बेलन यूज नहीं किया है,
और हाथों की हेल्प से इसको मैंने अच्छे से बना दिया है। ये देखिए कितने अच्छे से बनाया है। अगर आपको ये अच्छा लगा है ना, प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। कुट्टू के आटे में ना आलू को मैश करके तब गूंद कर रोटी बनाना या पराठा बनाना। तो बाय द वे, जब ये मेरी वीडियो जाएगी ना तो तब तक तो नवरात्रे भी ख़त्म हो गए होंगे। और ये वीडियो पड़ी थी तो मैंने सोचा चलो इसको भी डाल देती हूँ, और थोड़ा लेट हो गई मैं वीडियो डालने में, ब्लॉग बनाने, मतलब मुझे एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है काफ़ी, तो इसलिए वजह से मेरे ब्लॉग भी लेट जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने सारे धीरे धीरे करके सारे पराठे बना लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी रायता। तो रायता मैं वो ही दही लेकर आई थी मार्केट से, और मैं घर पर नहीं थी ना, जैसे कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा मैं मायके गई थी तो दही मैं जमा नहीं पाई थी घर पर, तो बाज़ार से ही लेकर आए थे दही। तो ये बाज़ार वाली दही है, और ये मैंने खीरा और टमाटर काट लिया है, और आप अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो उसमें आप हरी मिर्च भी यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर और खीरा इसमें मिला लिया है, और इसमें एक या दो चम्मच जो ताज़ी फ्रेश मलाई होती है ना दूध की, तो वो डालूंगी, जिससे ना इसका थोड़ा दही खट्टी होती है ना, तो वो खट्टापन थोड़ा सा खट्टा मीठा सा हो जाए। तो देखिए साथ में मैं सेंधा नमक भी डाल दूंगी, और ये मैंने जीरा पाउडर बनाया हुआ है, और इसको ना जीरे को रोस्ट करके तब मैंने इसको मिक्सी में पाउडर बनाया हुआ है इसका, तो थोड़ा सा जीरा पाउडर यूज करूँगी। तो देखिए दही का रायता बनकर हमारा एकदम तैयार है। तो अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर थाली, भोग लगाऊंगी, पहले तो मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी। ये भोग की थाली तैयार कर रही हूँ, फिर इसके बाद ना ये जो भोग वाली थाली है ये मेरा बेटा खा लेगा। आरव अवनी होती तो अवनी खाती, अवनी नहीं आई है, नानी के घर पर ही है, उसकी मामी ने रोक लिया था, वो कह रही थी भाभी की दीदी मैं अकेली रहूँगी, भाई तो ड्यूटी चले जाएगा, तो ये इसको अवनी को यहीं छोड़ दो। तो देखिए थाली लग चुकी है और मैं भोग लगा देती हूँ माता रानी को। तो देखिए यहाँ पर माता रानी को मैंने भोग लगाना स्टार्ट कर दिया है, और ये व्लॉग भी मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। तो उसके बाद हम सब ने खाना खाया था, और मतलब सच में बहुत अच्छा लगा था खाना, और इतना टेस्टी, इसमें ना कुछ खास मसाले नहीं होते फिर भी ये खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।